सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आपका सेकंड इंटीमेशन लेटर, मतलब कि आपका DLED जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका सेकंड अलॉटमेंट लेटर जो है आपका आ चुका है और बच्चों ने देख भी लिया होगा। आप सभी लोगों को बहुत सारे कॉलेज मिले, कितने बच्चों को नहीं मिला है तो सभी लोगों को ढेर सारी बधाई जिनको कॉलेज मिला है। जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनसे अनुरोध है कि आप हिम्मत नहीं हारे। और अभी हम जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर बात करने वाले हैं कि पेमेंट को लेकर कि कितने पैसे जो है सरकारी कॉलेज में लग रहे हैं और प्राइवेट कॉलेज में कितने पैसे लग रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्राइवेट कॉलेज है इसमें जो है पैसे तो ज़्यादा लग रहे हैं, वहाँ पर आपको 1,20,000 से लेकर आपके 1.5 लाख रुपये मांगे जा रहे हैं और पहले एडमिशन के समय आपसे 60,000 से लेकर 80,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। रही बात गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो है बहुत कम है। यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ, नोट कर लीजिएगा आप लोग, जनरल कैटेगरी जो BC कैटेगरी वाले हैं, जो EBC वाले हैं और EWS वाले जो हैं, उनके लिए केवल जो है 11,500 रुपये फर्स्ट ईयर का लग रहा है। कितने लग रहे हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं, BC कैटेगरी से हैं, EBC से हैं या BC से हैं, तो उन सभी लोगों के लिए 11,500 रुपये लग रहे हैं आपके एडमिशन चार्ज। अब रही बात जो बच्चे SC है, ST है या PH जो फिजिकल डिसेबल स्टूडेंट है, उनका पेमेंट जो है आपका 7,000 रुपये लग रहा है। अब जो है इससे ज़्यादा पेमेंट आपको नहीं देना है। 100-200 रुपये आपसे मांग लेंगे कॉलेज वाले मेंटेनेंस के चार्ज पर, तो वो दे देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 100-200 रुपये दे देंगे। लेकिन अगर उससे ज़्यादा मांगते हैं तो नहीं देना है। आपको कॉलेज के जाते हैं तो बोलेंगे कि हॉस्टल लेना है, हॉस्टल जो है अनिवार्य नहीं है। अगर आपको मन हो तो हॉस्टल लीजिएगा, नहीं मन हो तो हॉस्टल नहीं लीजिएगा, नहीं तो हॉस्टल का चार्ज जो है 6,000 रुपये जोड़ लेते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है। आप पूछिएगा कि मेरा मन, अगर मेरा मन है तो लेंगे, नहीं मन है तो नहीं लेंगे। ये अनिवार्य नहीं है कहीं कि आप एडमिशन लेते हैं तो आपको हॉस्टल चार्ज देना ही पड़ेगा या हॉस्टल में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट एडमिशन में बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे प्रिंसिपल के द्वारा जो है मनमानी की गई है और मैंने आवाज भी उठाया था, बाद में वो सुधर गए। तो अभी आप सभी लोगों को पहले ही मतलब बता दे रहा हूं कि अगर आपसे इससे ज्यादा पैसा लिया जा रहा है तो आप जरूर वहां पर आवाज उठाइएगा, क्योंकि ये अनिवार्य कहीं नहीं लिखा गया है कि आप एडमिशन करवाते हैं तो आपको हॉस्टल लेना होगा। तो आप सभी लोगों को मालूम चल गया होगा कि आपके एडमिशन में कितने पैसे लग रहे हैं। आपके एडमिशन में जो है केवल आपको 11,500 रुपये जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो बीसी कैटेगरी के हैं, जो EBC से हैं, और जो बच्चे SC है, ST है या फिजिकल डिसेबल स्टूडेंट है, उन सभी लोगों का जो है पैसा कितना लग रहा है आपका, वहाँ जो है 7,000 रुपये लग रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये जानकारी जो है पता चल गया होगा कि कितने पैसे लग रहे हैं। आप सभी लोग निश्चिंत होकर बड़े आराम से एडमिशन लें, किसी तरह की कोई गलती त्रुटि नहीं करेंगे, ताकि आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो या आपके एडमिशन प्रक्रिया में कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।